नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्रेन अंडरस्टैंडिंग शो में। तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में रविवार को हुई G20 बैठक में चीन ने हिस्सा नहीं लिया। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बैठक में G20 के अन्य सदस्य देशों की अच्छी उपस्थिति देखी गई। अमेरिका सहित 50 से अधिक प्रतिनिधियों ने G20 रिसर्च इनोवेशन इनिशिएटिव भागीदारी से जुड़ी बैठक में हिस्सा लिया। G20 के सदस्य देशों ने प्रतिनिधियों ने विधानसभा का भी दौरा किया, लेकिन हम आपको बता दें कि चीन अरुणाचल प्रदेश पर भारत की संप्रभुता को मान्यता नहीं देता और साथ ही यह भी दावा करता है कि यह दक्षिण तिब्बत का हिस्सा है। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि चीन ने G20 बैठक के खिलाफ आधिकारिक रूप से भारत के समक्ष विरोध दर्ज कराया है या नहीं। और आपको याद दिला दें कि हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि बीजिंग अब तक भारत की G20 अध्यक्षता का समर्थन करता आ रहा है। और साथ ही चीनी विदेश मंत्री किन गैंग ने इसी महीने की शुरुआत में विदेश मंत्रियों की बैठक के सिलसिले में भारत का दौरा भी किया था। दरअसल पिछले साल G20 की अध्यक्षता मिलने से पहले ही भारत ने कहा था कि वह G20 को देश के सभी कोनों में ले जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत की राजदूत रुचिरा काम्बोज ने भी हाल ही में यह कहा था कि सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में G20 से जुड़ी अलग अलग बैठकें होंगी। और आधिकारिक सूत्रों ने यह भी पुष्टि की है कि भारत में मई में जम्मू और कश्मीर में G20 की बैठक की होस्टिंग करेगा। यह बैठक संस्कृति और उसके आदान प्रदान पर होगी और भारत को श्रीनगर में प्रस्तावित बैठक की होस्टिंग करने से रोकने के लिए पाकिस्तान, चाइना, तुर्की और सऊदी अरब पैरवी कर रहे हैं। श्रीनगर में प्रस्तावित बैठक का विरोध करने वाले ये सभी देश G20 के सदस्य हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर में G20 की बैठक को किसी भी प्रस्ताव को अंतर्राष्ट्रीय वैधता हासिल करने के लिए भारतीय प्रयास के रूप में देखता है। उसने पिछले साल कहा था कि G20 के सदस्य देशों को विवादित हिस्सों में कानून और न्याय की अनिवार्यताओं के बारे में पूरी तरह से अवगत होना चाहिए। इसमें उन्हें श्रीनगर में प्रस्तावित G20 की बैठकों को खारिज कर देना चाहिए। इस पर चीन ने पाकिस्तान का समर्थन करते हुए G20 के सदस्य देशों से जम्मू और कश्मीर में ऐसे किसी भी एक तरफा कदम में स्थिति को जटिल बनाने से बचने के लिए कहा है। और इसके साथ साथ चीन ने कहा था कि G20 वैश्विक आर्थिक सहयोग के लिए एक प्रमुख मंच रहा है। तो दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें।